दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी से संबंधित है। जी अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वायरस के बारे में। जी नहीं, मैं कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक और वायरस जन्म ले चुका है। जी हाँ, हंता वायरस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत सिंह और एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। ठीक है, हर जगह उसी का नाम है और उसी का तहलका है। कोरोना वायरस अभी तक कई सारे लोगों की जानें ले चुका है। अगर बात करें चीन की, तो चीन में अब तक 2,280 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और वहीं बात करें हमारे देश भारत की यानी कि इंडिया की, तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस से संबंधित 560 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50 ने मौत का रूप धारण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे भारत में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है और जिनका कारण था कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए हम बात कोरोना वायरस के बारे में नहीं करने वाले हैं, बस मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट दिया था कोरोना वायरस से संबंधित। तो आप इससे बचकर ही रहें, जितना हो सके घर के अंदर ही रहें और बिल्कुल भी कुछ काम ना करें। यानी मेरा मतलब यह है कि कुछ बाहर जाकर ज्यादा कुछ काम ना करें, अगर बहुत ही जरूरी है तो आप बाहर जाएं। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो होगी कोरोना वायरस से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हंता वायरस की। दोस्तों ये क्या है, आखिर ये वायरस कौन सा है, आखिर इसने जन्म कहां लिया, आखिर ये कैसे फैलता है, इसके बचाव, इसके लक्षण, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हंता वायरस ने वहीं जन्म लिया है जहां पर जन्म कोरोना वायरस ने लिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, चीन। ठीक है, यानी कि चाइना, चीन में ही हंता वायरस का जन्म हुआ है और ये एक और खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। और आपको सबसे पहले बता दूं कि एक मौत चीन में, एक मौत हंता वायरस की वजह से हो भी चुकी है और ये खबर अभी अभी अखबारों में और टीवी में सामने आई है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं अगर मेरी बात आप झूठ समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं आखिर ये वायरस फैलता कैसे, यहाँ पर कहां से जन्म लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वायरस का सीधा संबंध चूहे से है, यानी कि माउस से। तो आपको बता दूं कि ये चूहे के मल, मूत्र और लार यानी कि थूक में पाया जाता है। जैसे ही चूहे सांस लेते हैं या फिर कहीं पेशाब करते हैं तो, और आप उस जगह को साफ नहीं करते हैं तो वहां पे हंता वायरस जन्म ले देता है और ये वायरस काफी खतरनाक भी बताया जा रहा है। और दोस्तों ये वायरस सांस लेने के जरिए फैलता है, यानी कि जब आप गंदे वातावरण में या फिर ऐसे वातावरण में सांस लेंगे जहां पे कुछ वायरस है तो ये आपके अंदर भी समा सकता है, यानी कि आपके फेफड़ों में जाएगा और फिर आपकी हालत खराब भी कर सकता है। तो अगर बात करें इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे आपको लगेंगे, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, यानी कि घुटनों में, हाथ पैरों में या फिर सिर में दर्द। ठीक है, सिर में दर्द या पेट में दर्द भी इसका एक लक्षण है। अगर आपको हंता वायरस हो जाता है तो आपको 2-3 दिन में एक लक्षण दिखेगा, सूखी खांसी होने का, और ये इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको खांसी होती है यानी कि सूखी खांसी, तो इसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों लक्षण की यहाँ पे हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इसके बचाव यानी कि प्रिवेंशन की। दोस्तों आपको घर के अंदर ही रहना है और घर को एकदम साफ सुथरा यानी कि एकदम चमकाकर रखना है, क्योंकि गंदगी से हर एक वायरस फैलता है, ये बात बहुत ही सिंपल और कॉमन है, इस बात को समझ सकते हैं। और जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। ठीक है, ये बात मैं आपसे बार बार कहकर थक चुका हूँ, क्योंकि ये वायरस ऐसे होते हैं, कोरोना वायरस, हंता वायरस या फिर कोई और भी बीमारी, ये गंदगी से बहुत जल्दी फैलते हैं और अगर किसी व्यक्ति को भी है ये वायरस तो उसके जरिए भी आपको फैल सकता है अगर आप उसके पास जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको हंता वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, आपको अप टू डेट रहना है और मेरी वीडियोस को देखते रहना है, क्योंकि मैं आपको हंता वायरस के बारे में और भी बातें बताने वाला हूं। तो और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। और अगर आपको कोई हमारी संस्था के संबंधित सवाल पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।